बचपन है बीत गया कब का है दूर जवानी, अब भी कुछ खट्टी सी कुछ मीठी सी है अलग कहानी सबकी। हम सबके दुख सबकी खुशियाँ मिलकर एक रंग बनाती है, उस रंग में रंग के हम सब एक रंग हो जाते हैं। हिम्मत ऐसी कि आसमां छू जाते हैं। Water Kingdom was amazing. खूब मजा आया. But Rafi had to go and spoil it all. Hey, you take my cap here. बिचारी अलीशा बहुत upset थी. You know, I thought you were special. दोस्त के नाते मैं उसे console कर रहा था कि तभी नोनी और राफी ने एंट्री मारी. It was so awkward. पता नहीं नोनी ने क्या समझा होगा. उधर साइरस और मोना शायद काफी मस्ती कर रहे थे. अलीशा जब गिर पड़ी तो देखकर भागना चाहिए ना तुम्हें. अब बैठो फ्रेंड आके लेकर. राफे को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में चिंता ही नहीं थी. लेकिन यार आइस कहाँ मिलेगा? राफे मैंने कहा ना, आई डोंट नीड एनीथिंग. मुझे राफे पे गुस्सा आ गया. नोनी के लिए इतना पागल सा हो गया था कि होश में नहीं था. इतना बदल जाओगे एक लड़की के लिए? वन लास्ट टाइम राफे, इट्स ओवर. अरे इंटरवल के पहले ही पिक्चर खत्म हो गई. हाँ? अरे यार शो शुरू होने से पहले ही बच्ची गुल. समझे नहीं? इधर आओ, इधर आओ, समझा दो. बोलो बोलो. अपने रोमियो और जूलियट की जूलियट लोकल ट्रेन पकड़ के भाग गई. ओके. तुम लोग तो बड़े स्लो हो, समझ नहीं रहे यार. ओके, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अपने अलीशा और राफे का ब्रेकअप. दस एक ब्रेकअप. हाँ ब्रेकअप तो हो ना ही था. तुम्हारे चेहरे का बंद करो. अरे ये छोड़ो के ब्रेकअप कैसे हुआ, ये पूछो के who dumped who. ओके who dumped who. अबे गधे, लाइफ में कभी तो स्टाइल लाना, हमेशा हर बात का कचरा. ओके साइरस मैं विल स्टॉप इट. साइरस यस. यू टेल मी यस हु यस डम हु. वेरी गुड. दैट सी दैट्स द वे टू आस्क. ओके बताता हूं अलीशा डम राफे. हां उसने अपनी रिंग निकाली और राफे को यू मारी और साथ में हिंदी डायलॉग भी चिपका दिया. इट्स सैड यार. But then again, you know, Rafi was asking for it. का मतलब? इसका मतलब है indirectly invite करना. Don't worry, तुम्हारी girlfriend होगी ना, सब पता चलेगा. और actually ना तुम्हें कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिना पूछे ही breakup हो जाएगा. Very funny. मैं ना उससे पहले उसे ब्रेकअप कर दूंगा. हाँ तुम्हारे इसी attitude की वजह से ना तुम्हें आज तक कोई girlfriend नहीं मिली है और मिलेगी भी नहीं. Don't worry मेहुल. वो कहते हैं ना, हाँ देर आए लेकिन दुरुस्त आए. तुम्हारी भी आएगी, देर से आएगी लेकिन जबरदस्त दुरुस्त आएगी. हंस लो. मेरी आएगी तो सही लेकिन तेरी तो वो भी नहीं आएगी. तू तो पूरी जिंदगी है ना 11th स्टैंडर्ड के आसपास कॉन्टैक्ट जमा करेगा. एक्चुअली ना मेरे को तो लगता ना ये सब ना वो नई लड़की नोनी की वजह से हुआ है. You're right, Kiran. जब से नोनी आई है ना तब से राफी उसके आगे पीछे दौड़ता रहता है, नोनी करता रहता है. आगे अलीशा कब से कॉलेज करती है यार. You know what? Why she's नोनी? Why? Because she has no knee. No knee. It's so funny. Couldn't even guess they were together. It's so odd. Usually, you know. Really? कैसे कह सकती हो तुम? Oh, come on, you know. Do I know? I wasn't talking about you, silly. Why not me? I was talking about Rafi. I didn't know Rafi and Alicia were together. You disappoint her, yeah? Oh, no. Please don't twist whatever I say. I'm not.
और तुम राफी को इतना टेंशन क्यों दे रही हो? I can't help it. He was so aggressive. And I didn't want to be rude to him. He's so harmless though. And me? Very harmful. Why? मैंने क्या किया? Ow! Nothing. Come on. Can I ask you something? Yeah. Forget it. Come on, पूछ ना. I'm wondering about you and Alicia. अरे कुछ नहीं यार, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं बस. That's what they all say. When I say it, it's different. We'll see. I'll be looking forward to that. Ow, मज़ा. Hey, here he is. Hi, Rafe. कहाँ थे तुम? यहीं पे. क्यों? नहीं, बस ऐसे ही. Are you okay? Yeah, I'm okay. Why? Nothing. Where's Alicia? पता नहीं, यहीं कहीं होगी. क्यों? कुछ नहीं. Nothing. अरे सैमी ऐसे तो पूछ रही है, तुम नर्वस क्यों हो रहे हो? कुछ बात है क्या? क्या बात हो सकती है? हमें तो कुछ भी पता नहीं, कुछ भी नहीं. Right guys? Right. वैसे राफ़े, how are you man? Doing good, you tell me. अलीशा कहाँ है? मुझे पता नहीं, सब लोग मुझे क्यों पूछ रहे हैं अलीशा के बारे में यार? Sorry. मुझे तुमसे नहीं पूछना चाहिए, किससे पूछे? मेहुल. क्या? क्या तुम्हें पता है कि अलीशा कहाँ है? मुझे कैसे पता हुआ? राफे को पूछना. फिर से वही अटक गया यार तू भी. Let's see, मोना. Yes. क्या तुम्हें पता है कि अलीशा कहाँ है? पता नहीं, यही कहीं मिली थी मुझे, उसकी लिंक हो गई है, खोज रही थी. Bro up guys. हाँ बिल्कुल, बहुत हो गया बचपना. अच्छा साइरिस, अलीशा कौन सी ट्रेन पकड़ के गई थी? फास्ट लोकल. गाइस नोनी कहाँ है? यही गई थी मजर के साथ. वो हमेशा मजर के साथ क्यों रहती है? हमारे साथ क्यों नहीं हैंग आउट करती? सैमी गेस व्हाई. अरे विनीत आ गए सर, आइए ना. फन सेशन खत्म हो गया आप लोगों का? अरे कहाँ सर, अभी तो शुरू हुआ है. हे जॉन, वेयर आर यू मैन? यार मैं शॉपिंग करने गया था. कुछ नहीं, एक छोटी सी रिंग खरीदनी थी. I just wanted to say one thing, no matter what you do, ये मत भूलिएगा कि you guys are here to have fun. सोप ऑपरा में हिस्सा लेने नहीं आए हैं आप लोग. दोस्तों के साथ हंसना और बात है, और दोस्तों की हंसी उड़ाना और बात. दोस्तों में तो ये सब चलता रहता है ना? नहीं. हाँ, आई अंडरस्टैंड. दोस्ती में आप बहुत कुछ करते हैं, दोस्तों का ख्याल भी रखना चाहिए. बाय द वे अलीशा इज हर्ट अ लिटिल, प्लीज टेक केयर ऑफ हर. मैं शर्मा मैडम को लेकर आ रहा हूँ. गेट रेडी टू लीव ऑल ऑफ यू. व्हाट अ लवली डे ना, एक्सेप्ट फॉर अलीशा. Hey, let's do something, yeah? Like what? Like something exciting. Something happening. You know what I mean? Disco chalte. Kisi disco mein jaye. Jaye, kisi hotel mein khaye, khaye. I have a great idea. Let's have a party. Party? Aur in kapdo mein? No. Aur ghar jao, inhe patlo, aur wapas niklo. Forget it. Sammy, meri puri baat to sun lo. Achha bol. Mehul. क्या रहा है? वही तो सुनने की कोशिश कर रहा हूँ मैं. सीक्रेट प्लान लगता है. अब पजामा पार्टी? साउंड्स लाइक फन. सैमी धीरे बोलो, सब लड़के सुन लेंगे. सॉरी, लेकिन करेंगे कहाँ? मेरे घर पर. मेरे पापा टूर पर कलकत्ता गए हैं. परफेक्ट, सो लेट्स ऑल गर्ल्स जस्ट चिल आउट. Hey guys, you know what? I think I'll ditch this one. Why? Come on, Noni, you can't do that. We'll have so much fun together. I know, but then I just don't feel like it. Hey, Cyrus, Cyrus, get away! Babe, get lost! ठीक है ना? ठीक है ना? ओ नहीं यार. कुछ पता चला? हाँ, पता चला. इसी बहाने पहली बार तुम मेरे घर आ रही हो. न जाने ऐसा मौका फिर कब मिलेगा? And the best thing of it all is we have the whole house to ourselves. बहुत मस्ती करेंगे. Yeah, come on, be a sport. We'll have a good time. And Alicia. Don't worry, I'll take care of her. Okay, but then what'll I tell my folks? I mean, my grandma might just get worried. Madam Reema, आप पहले तो, मैं बताती हूँ क्या करते हैं. Okay. तुम सब अपने अपने घर पर फोन करके कहना कि ग्रुप स्टडी के लिए तुम लोग मेरे यहाँ पर ठहरे हो. Okay. Simple. Like tomorrow's test. Yeah. Test? Test हो रहा है कल? और मुझे बता भी नहीं. Silly, कोई test नहीं हो रहा है. हाँ. ऐसा हम सिर्फ कहेंगे. Got it? Test. अच्छा. हमने सब सुन लिया. स्पेशल टेस्ट के लिए
हम भी अपीयर कर सकते हैं? Shut up. Not for guys. No, we'll inspire you to study better. हाँ, please. हमें भी आने दो ना. Shut up and sit down. No test for you guys. Test? कौन सा टेस्ट है तुम लोगों का? मैम वो केमिस्ट्री. कुछ तो हो रहा है. तुम लोगों की याद नहीं तुम्हारा कौन सा टेस्ट है? मैम वो हम आते हैं. बाय मैम. बाय 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 गाइस. सी यू. वो किरण को उठाओ. हाँ आ रही हूँ. बाय. हैव फन. ये सारी लड़कियाँ एक साथ मोना के घर क्यों उतर गए? ग्रुप स्टडी मैम. ग्रुप स्टडी. ओके पापा. बाय. सी यू. Yeah, I'll be studying in Mona's place tonight because we're having a test tomorrow. Okay. Yeah. Bye. Take care. Hello. Hi, Mama. How are you? Yeah, me fine. Okay, listen. हम लोग मोना के घर पे रहने हैं क्योंकि अलकनंदा मैडम कल टेस्ट दे रही है फिजिक्स का और हम लोग सुबह वो पास होना है और मैं तो फेल हो सकती हूँ तो यू डोंट वांट मी टू फेल ना मम्मा. नो ना. ओके चल बाय. हेलो पापा. हाँ वो आज मैं घर नहीं आ रही. वो कल टेस्ट हो रहा है ना इसलिए. हाँ वो फिजिक्स मैम हमें केमिस्ट्री का टेस्ट दे रही है. अरे नहीं वो केमिस्ट्री सर हमें फिजिक्स का टेस्ट दे रहे हैं. हाँ हेलो अंकल. या अंकल मोना बोल रही हूँ मैं. हाँ फाइन थैंक यू अंकल. अंकल वो क्या है ना कि अलकनंदा मैम यहाँ हमारी फिजिक्स टीचर जी उन्होंने सडनली डिसाइड किया है कि वो हमें एक सरप्राइज टेस्ट देने वाली हैं कल. हाँ तो इसलिए हम सब मिलकर मेरे घर पर ग्रुप स्टडी कर रहे हैं. सो अंकल कैन समांथा स्टे प्लीज. नहीं नहीं अंकल क्या एक्चुअली ना वो सडनली पता चला ना हम सबको कि सरप्राइज टेस्ट है इसलिए हम सब घबराए हुए हैं. हम सब डरे हुए हैं. शी इज एब्सोल्युटली फाइन. देयर इज नो प्रॉब्लम. नो नो नो. हाँ अंकल जरूर जरूर. एक मिनट एक मिनट. हाँ हेलो पापा. हाँ हाँ ओके. थैंक यू. हाँ बाय बाय पापा. ये पापा मान गए. कितनी आसानी से मान गए ना. आसानी से मोना की वजह से बच गए वरना आज तो डम्बो. Who me? No no me. Sorry Dumbo. Hey Mona. I'm dying to eat ice cream. Flavor बता अपना. Shit piss. क्या बता रही थी मोना तू? क्या बोल रही थी? क्या
believe in love. I'm not gonna lie. I can feel something inside of me. And it's for you. Do you believe in life after love? I really don't think it's wrong. Okay, count on it. सिर्फ दो रूल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल है ट्रूथ, जिसमें जो भी सवाल पूछा जाएगा उसका ट्रूथफुली आंसर देना पड़ेगा. एंड सेकंड इज डेयर, जिसमें जो भी बात कही जाएगी यू हैव टू डू इट. फॉर एग्जांपल समांथा, इस फायर में अपनी उंगली घुसाओ. पागल है. फॉर एग्जांपल नोनी, हमारे नेबर के पास जाकर बेल बजाकर वापस आओ. एओ मोना, आई थिंक एवरीवन इज रेडी फॉर दिस गेम, सो लेट्स डू इट. हां सैम, यू फर्स्ट. तुमने अपना फर्स्ट किस कब एक्सपीरियंस किया? वेल, देयर इज अ लिटिल कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग माय फर्स्ट किस. मेरे पैदा होने के बाद मेरे पापा कहते हैं कि उन्होंने मुझे फर्स्ट किस किया, और मेरी मम्मी कहती है कि उन्होंने. अब जब तक उन दोनों में डिसाइड नहीं होता तब तक मैं कुछ नहीं कहती. क्यूपिड, फर्स्ट टाइम किसी लड़के को कब किस किया था? अच्छा, यू मीन लड़का. आई थिंक जब मैं 5 साल की थी तब. अच्छा, वो कितने साल का था? क्या वो एक्सपीरियंस था? लड़का कुछ 7 साल का था, वो भी इनएक्सपीरियंस था. मेरा बड़ा भाई स्टैनली. ओह गॉड सैमी, हम दोनों में इतनी लड़ाई होती थी, सिबलिंग राइवलरी यू नो. पता नहीं कैसे उसने उस दिन मुझे गाल पे किस कर लिया. स्टुपिड, वी टॉकिंग अबाउट बॉयफ्रेंड्स किस. ओह यू मीन दैट. वेल, आई हैव नॉट गिवन दिस प्रिविलेज टू एनीबॉडी एज येट. सो देन व्हाई डोंट यू गिव मी द प्रिविलेज? गेट लॉस्ट राफे. हेलो यावन सर, कोई लड़का है. हेलो हेलो हेलो, कट गया. किसकी आवाज थी? पता नहीं, पहचान नहीं पाई. किरण. ओके, इट वाज राफे. आई टेल यू दिस गाइस आर रियली सिक. आई एम रियली सॉरी अलीशा, अ ह्यूज मिसअंडरस्टैंडिंग हैज क्रॉप्ड अप बिटवीन अस, बट प्लीज प्लीज बिलीव मी व्हेन आई से आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन राफे एट ऑल. No, Arnoni. मैं भी राफे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ. लेट्स गो इनसाइड. इनसाइड बहुत ठंडी लग रही है यार. पता है नोनी, जब मैं 10th में थी ना, मेरे पुराने वाले घर में, तो मेरे घर के बाहर ना रोज रोज एक लड़का आके खड़ा होता था रात को. एंड यू नो व्हाट, वन डे रात के 3 बजे मैं उठी और मैंने देखा कि वो वहां पर ही लैंप पोस्ट के नीचे खड़ा था. कैन यू बिलीव इट, आई गॉट सो स्कैर्ड. 3 बजे तक? वाओ. फिल्मी फालतू टाइप, शाहरुख खान टाइप, नॉट माय स्टाइल. हमारा स्टाइल तो है ट्रू लव का. ब्रैड पिट. कौन हो सकता है इस वक्त? टाइम क्या हुआ है? 2 AM. मोना, तुम्हारे पापा तो नहीं आए? नहीं सैम, वो परसों वापस आने वाले हैं. तो फिर कौन हो सकता है? तोलुमल. तोलुमल? हाँ यार, मेरा फ्रेंडली नेबर बस उसी घर में रहता है. सच अ पीपिंग टॉम ना, हर वक्त उसे ये पता करना होता है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मोना क्या कर रही है, किसके साथ जा रही है, किसके साथ आ रही है.
राम गोपाल वर्मा की पिक्चर देखी थी कौन उसमें ना मनोज बाजपेयी ऐसे ही दरवाजे पे आता है यार गो अलीशा ओपन द डोर नो नो डोंट ओपन द गो 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 नहीं कम ऑन ओपन द डोर नहीं कम ऑन नो सो सैम गो नो नो ओके ओके लिसन हम लोग पांच लड़की हैं सब लोग मिलकर जाते हैं स्ट्रांग कम ऑन ओके कम ऑन टुगेदर One minute, hang there. One second. Alicia. I'm really sorry. Really, I am. Mansur, you're sick. Alicia? क्या कर रही हो तुम क्या नाराज हो गई तुम नो नॉट रियली इन फैक्ट आई वाज मिसिंग यू आई डिड टू लुकिंग वेरी मदर एट 3 एएम नमस्ते 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 मैम गुड मॉर्निंग आई टोल्ड हर दैट द गेम वाज कूल एंड ऑल एंड शी वाज लाइक या इज इट साइरस अगर तुमने एक बात भी की ना तो मैं तुम्हें छोटे बच्चों की तरह बेंच पे खड़ा कर दूंगी सॉरी अच्छा सुनो आज हम कविता की बजाय एक निबंध लिखेंगे जिसका शीर्षक होगा एक दिन एसएल वर्ल्ड और वाटर किंगडम में मस्ती के